friends, my name is Pratik Mathi. I am faculty from Electrical Engineering Department from Bose. Today I am going to teach you about the topic illumination from the subject utilization of electrical energy and traction. अच्छा illumination होची आपण कर पण एडा धरत होची सूर्य सूर्य को लाइट पडुची आपण को सरफेस ऊपर सूर्य को लाइट जते बेला आपण को सरफेस ऊपर पडुची से सरफेस को आपण केते ब्राइट करुची को कलर से आपण को बेसी ब्राइट होउची से सब जिनसे आपण जो चैप्टर पढिबे सेगा होची इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेशन नो इंपोर्टेंट होची आपण को दीटा लॉ गोड होची इनवर्स स्क्वायर लॉ आउट होची लैम्बर्ट कोसाइन लॉ जोटु प्रॉब्लम एवं तार डेफिनेशन परिकार पडते से लॉ जानिबा पूर्व केतक टर्म जानिबा निहाती दरकार ता पूर्व आपण गोटे जिनस मन रखिबे ओटे होची आपण को लुमिनस बॉडी आउट होची आपण को नॉन लुमिनस बॉडी ओटे होची लुमिनस बॉडी आउट होची आपण को कोन नॉन लुमिनस बॉडी अच्छा लुमिनस बॉडी होची कोन एडी गोटे बल जळले आपण एडी कांथ अछि एडी आपण छिडाइ छ बल रु लाइट बाहर छि लाइट बाहर के कांथ रु आपण को कोन आपण को ऊपर पडु छि अच्छा बल रु जते बेला आपण को लाइट बाहर छि जे निजो लाइट निजे तयार कर परबो ताको आपण लुमिनस बॉडी बोली कहबे सूर्य सेता निजो किरण निजे तयार कर परबो बल हम आपण सप्लाई ऑन करू छथि किन से निजो निजो लाइट से निजे क्रिएट कर परबो तिन जे निजो लाइट निजे तयार कर परबो ताको आपण कोन कहबे लुमिनस बॉडी बोली आपण कहबे अच्छा नॉन लुमिनस बॉडी होछ कोन काठ को निजो लाइट निजे तयार करू छी से लाइट ता रिफ्लेक्ट की आपण को ऊपर पडु छी तो एटा होछ आपण को कोन नॉन लुमिनस बॉडी अच्छा आपण वर्तमान इल्यूमिनेशन जो लॉ पढिबे किमा जतेना आपण को टर्न पढिबे सब जगह आपण को कोठ जिवो लुमिनस बॉडी भीतर जिवो तले आमे टर्न पढिबा पढिबा अभ्यास स्टार्ट करिबा प्रथम टर्न आपण को आसु छी कोन प्रथम टर्न आपण को आसु छी फ्लक्स कोन आसु छी फ्लक्स अच्छा फ्लक्स किमा जहा को आमे लुमिनस फ्लक्स बोली कहथा ताको आमे केमिति दिनर करथ फ्लक्स को आइदर फायर दिनर करथ नलटा को एफ रे आमे साधारणत दिनर करथ अच्छा एटी फ्लक्स होछ कोन बॉल लाइट लगे चारि दिग को आपन लाइट बाहर इन ऑल डायरेक्शन केते के अमाउंट ऑफ लाइट तो हमर बाहर छि पर सेकंड रे ताको आपन को फ्लक्स बोली कोंथि लेखि परबे आपन केमिति डेफिनेशन कोन लाइट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट सेकंड पर सेकंड आपन को केते के अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी एमिट होउ छि ले केते के एनर्जी केते के अमाउंट रो लाइट आपन को बाहर छ गोटे बल्ब ताको आपन को फ्लक्स बोली कोंथि अच्छा फ्लक्स रो यूनिट होउ छि फ्लक्स रो यूनिट मन रखन तो 2 मार्क के क्वेश्चन पड़े यूनिट होउ छि फ्लक्स रो लुमेन फ्लक्स रो फार्मूला होउ छि आपन को कोन फाई = क्यू / टी ए क्यू टाको आपन को लुमिनस एनर्जी बोली कोंथि ए क्यू को आपन को लुमिनस एनर्जी बोली कहथांथि अच्छा नेक्स्ट हम जेबे ये तो पहले फ्लक्स विषय रे अभी का आपन पढिबे सॉलिड एंगल ओटे एटी इंपोर्टेंट विषय एटा होउ छि सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल को हम केमिति आपन को डिनोट करथौ डब्ल्यू आकार रे हम डिनोट करथौ सॉलिड एंगल को हम डब्ल्यू आकार रे डिनोट करथौ अच्छा सॉलिड एंगल को बॉल एडी लगेले देखिबे सब बडे लक्ष्य करबे बॉल नु लाइट जो आपन को पडु छी से गोटे स्फीयर आकार रे पडु छी स्फेरिकल वेवफॉर्म आकार रे पडु छी गोटे स्पेस रे गोटे पॉइंट देले आपन एटी पी पी रे नंबर ऑफ लाइंस बडा को आपन को कोन कहले इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस बडा को आपन एटी कनेक्ट करबे से कोन करछी ना गोटे वॉल्यूम दे आपन कोन करछी एनक्लोज करछी आ भीतर जो एंगलटा आपन को क्रिएट होउची ताको आपन को सॉलिड एंगल बोले कह देते ए सॉलिड एंगल रो यूनिट होउची कोन ए सॉलिड एंगल रो यूनिट होउची स्टेरेडियन ए सॉलिड एंगल रो यूनिट होउची कोन आपन को स्टेरेडियन एवं आरो तार फार्मूला होउची कोन ओमेगा सॉलिड एंगल ओमेगा तार फार्मूला होउची कोन एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस रो स्क्वायर एरिया डिवाइडेड बाय होउची केते आपन को रेडियस रो स्क्वायर अच्छा हम स्फीयर रे देखिबा स्फीयर रे एरिया होउची कोन आपन को 4 पाई आर स्क्वायर रेडियस होउची केते आर स्क्वायर कटि गला तले केते गला आपन को 4 पाई स्टेरेडियन केते गला आपन को 4 पाई स्टेरेडियन तले ए फार्मूला बडा आपन मन रखि जांतु जहा को यूज करके आपन को लॉ बाहर करे जेते अच्छा ये गला आपन को सॉलिड एंगल करे नेक्स्ट होउची आपन को कोन लुमिनस इंटेंसिटी नेक्स्ट होउची आपन को लुमिनस इंटेंसिटी लुमिनस intensity luminous intensity luminous intensity ko hum kemite denote karuchu i re denote karuchu acha luminous intensity kon simple kotha bol lagale bol ma apan ko light baruchi gote particular direction re kete ke amount of flux apan ko gote bol lo baruchi per unit solid angle taku apan ko luminous intensity kochu gote particular direction re
केतेकी अमाउंट रो आपन कर फ्लक्स बाहर होची पर यूनिट सॉलिड एंगल ताको आपन कर कोन लुमिनस इंटेंसिटी बोली कह दे त मु एडी लुमिनस इंटेंसिटी रो फार्मूला ता आपन लिखि परबी फ्लक्स डिवाइडेड बाय होची कोन आपन कर सॉलिड एंगल तार यूनिट कोन लिखि परबी फ्लक्स यूनिट जान छनी आपन लुमेन सॉलिड एंगल यूनिट आपन जान छनी स्टेर रेडियन त मु लिखि परबी लुमेन डिवाइडेड बाय होची स्टेर रेडियन किबा तार यूनिट कोन आमे कैंडेला बोली लिखु कैंडिला बोली आमे से यूनिट को लिखु किबा कैंडल पावर लिखु अच्छा ये कैंडल पावर हो छ आपन कर को बजार 12 वोल्ट बैटरी किन छन आपन के में जाने से 12 वोल्ट बोली जे तैयारी को छ त स्टैंडर्ड से छ त कंपेयर कर छ ते हमर लैबोरेटरी में कोन करा जाय थे ना गुटे आपन को स्टैंडर्ड कैंडल हमर नि दे थे से कैंडल केते लाइट आपन छाड़ी थे प्रति ऑल डायरेक्शन में 4 पाई लुमेन रो आपन को लाइट आपन को छाड़ी थे अच्छा स्फीयर सॉलिड एंगल केते 4 पाई त 4 पाई लुमेन डिवाइड बाय आपन इ केते लिखले 4 पाई स्टेर रेडियन एटा में कहार बाहर करछु पावर कार बाहर करछु कैंडल ल बाहर करछु तार 4 पाई कटि गला लुमेन पर स्टेर रेडियन होछ कोन आपन कर लुमिनस इंटेंसिटी त लुमेन पर स्टेर रेडियन को हमें 1 कैंडल पावर लिखि त आपन जो बैलेट भी आनतु कि बॉल भी आनतु जो खोले लिखाय थे जे एटा 250 कैंडल पावर देखु जे एटा 50 कैंडल पावर सेरा आसे तो कंपेयर के आसु छि ये वाला आपन कर लुमिनस इंटेंसिटी तापर आपन पढिबे वर्तमान इल्यूमिनेशन तापर आपन वर्तमान पढिबे इल्यूमिनेशन अच्छा इल्यूमिनेशन होउछ का ये गोटे गोटे स्टेप ले के हम जाउछ तापर हम पढिबो इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेशन होउछ आपन कर का बॉल एटी लगेले बॉल में आपन कर लाइट बाला पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट बाहर के आपन कर सरफेस ऊपर पडुछ जे ए जो टोटल फेनोमेना ता को आपन कर इल्यूमिनेशन बोले कोंथि नंबर ऑफ लुमेन्स फॉलिंग ऑन द यूनिट एरिया दैट इज नोन एज द इल्यूमिनेशन कौन अपन इल्यूमिनेशन लिख परबे नंबर ऑफ लुमेन्स फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया नंबर ऑफ लुमेन्स फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया ताको अपन कौन लिख परबे इल्यूमिनेशन लिख परबे ताले इल्यूमिनेशन का फार्मूला होचे अपन कर कोन ई इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय एरिया इल्यूमिनेशन का फार्मूला होचे ई इज इक्वल टू 5 बाय एरिया तार यूनिट होचे हमें कोन लॉक्स बोली आपन का लिखे जाय थे ए जो चारटा लिखा है ए चारटा फार्मूला यूज करके हमें लॉ देखिबा अच्छा को चारटा फार्मूला आउतर में लिखि दउछ ज्यादा लॉ टा लिखिबा आपन को सहज होबो प्रथम होचे आपन को कोन फ्लक्स टा होचे फाई इज इक्वल टू केते ले आपन को क्यू डिवाइड बाय टी तापर होचे सॉलिड एंगल होचे केते आपन को एरिया डिवाइड बाय रेडियस रो स्क्वायर तापर होचे आपन को लुमिनस इंटेंसिटी लुमिनस इंटेंसिटी रो होचे फ्लक्स डिवाइड बाय होचे सॉलिड एंगल तापर होचे इल्यूमिनेशन सेटा होचे आपन को फ्लक्स डिवाइड बाय होचे आपन को एरिया अच्छा तापर हम देखबो जे आपन को लॉ होचे को प्रथम इल्यूमिनेशन लॉ होचे इनवर्स स्क्वायर लॉ एटे मो प्रथम इल्यूमिनेशन आपन को लॉ लिखली इनवर्स स्क्वायर लॉ अच्छा इनवर्स स्क्वायर लॉ कहू छ आपन गोटे टॉर्च आनिबे टॉर्च से जते बेले एही पाखरे लगेबे देखिबे इंटेंसिटी बहुत जोर से पडु छ एही जगह पूरा ब्राइटली लगू छ जते टॉर्च आपन दूर को नहीं कि जिबे देखिबे सेते इंटेंसिटी कम हो छ सिमिलरली एही मन कर गोटे सोर्स सोर्स लखिले आपन कर एस सोर्स रो आपन कर इल्यूमिनेशन ला पडु छ एटी गोटे सरफेस अछि सरफेस रे आपन कर इल्यूमिनेशन ला पडु छ लाइट पडु छ इल्यूमिनेशन क्रिएट हला आपन कर कोन आ भीतर डिस्टेंस हो छ केते डी जते आपन सरफेस को घुचे घुचे जिबे इल्यूमिनेशन रे सेते कोन हो कमी कमी जिबे टॉर्च आपन जते पाखरे एटी रखिबे सेते बेसे ब्राइट देखियाबे टॉर्च को जते डिस्टेंस से जते दूर को नहीं कि जिबे तार ब्राइटनेस ता सेते कमी कमी जिबे तेनो इनवर्स स्क्वायर ला कहउची जे एटी इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द सरफेस इल्यूमिनेशन ऑफ द सरफेस एटी इल्यूमिनेशन केते ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द सरफेस मन रखंतु आउतर कह दउची इनवर्स स्क्वायर ला कोन कहउची इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द होची आपनकर सरफेस अच्छा त माने हम आ को प्रूव करबा किंतु आ गोटे कंडीशन मन रखिता ए सोर्स ता आपनकर कोन हेतिबो ए सोर्स ता आपनकर पॉइंट सोर्स हेतिबो कोन हेतिबो सोर्स ता आपनकर पॉइंट सोर्स हेतिबो अच्छा पॉइंट सोर्स कोन तारा हम तो डिस्टेंस बहुत दूर रे अछि तनो से आपन गोटे छोटो बिंदु बडे आपन देखा जतो किंतु केते का तारा साइज आपनकर पुठी पिटी बड
ସେ ତାରାଟା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିବ ସେଟା କେବେ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ହେବନି। ଏ ବଲ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଳେଇବି ସେ ବଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ, ଏଇ ସୋର୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ହେଇଯିବ। ଅବିକା ଆମେ ପ୍ରୁଭ କରିବା, ଲେଟ୍ ଅସ୍ କନ୍ସିଡର ଆପଣ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ନେଲେ ଏସ୍, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସୋର୍ସ ନେଲେ ଏସ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ନେଲେ ଏସ୍, ଗୋଟେ ଏଇଠି ସର୍ଫେସ୍ ନେଲେ, ସର୍ଫେସ୍ ର ମନେକର ଆପଣ ଏରିଆ ଦେଲେ ଏ ୱାନ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ ନେଲେ, ସର୍ଫେସ୍ ର ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ଦେଲେ ଏ ୱାନ୍, ଏଇଠି ସୋର୍ସ ନେଲେ ଏସ୍, ଏଇଠି ସର୍ଫେସ୍ ରୁ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଧରନ୍ତୁ ହେଉଛି କେତେ ଆର୍ ୱାନ୍, ଏଇଠି ସର୍ଫେସ୍ ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଏସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ, ଏ ୱାନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍, R1 ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ୱାନ୍, ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍, ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ ଟା ତାର ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ହେଉଛି ଏସ୍, ତା ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ହେଉଛି ଆର୍ ୱାନ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠୁ ଲାଇଟ୍ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ମନେକର ଆପଣ ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କେତେ ଦେଲେ, ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପାୱାର, ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଆପଣ ଦେଲେ ଆଇ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସଲିଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ସଲିଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟା ଆପଣ କେତେ ଦେଲେ ଡବ୍ଲୁ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ସଲିଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦେଲେ, ଏଇଠି ସଲିଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଏବେ ଲେଖିଲେ କେତେ ଡବ୍ଲୁ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଏରିଆର ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ ବାହାର କରିବା, ଧରନ୍ତୁ ଏ ୱାନ୍ ର ଆପଣଙ୍କର ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ ହେଉଛି ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆ ଏ ୱାନ୍ ବାହାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏଇଠି ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ବାଇ ଓମେଗା, କେତେ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ବାଇ ଓମେଗା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ଲକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ଇଣ୍ଟୁ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଓମେଗା ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ, 5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଓମେଗା ଲେଖିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଫର୍ ଏରିଆ ଏ ୱାନ୍, ଫର୍ ଏରିଆ ଏ ୱାନ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ଫ୍ଲକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଓମେଗା, ଲୁମେନ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ ୟୁନିଟ୍ଟା ହେଉଛି ଲୁମେନ୍। ଆଚ୍ଛା ଓମେଗାର ଏଠି ଫର୍ମୁଲା କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏରିଆ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ହେଉଛି ରେଡିୟସ୍ ର ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଓମେଗା ଜାଗାରେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏରିଆ ହେଉଛି କେତେ ଆର୍ ଏ ୱାନ୍, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ ୱାନ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ, ସିମିଲାରଲି ଏଇଠି ଲେଖିବି। ଆଚ୍ଛା ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର, ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଫ୍ଲକ୍ସ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଏରିଆ, ଏରିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏ ୱାନ୍, ତାହେଲେ ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ ଏଇଠି ଲେଖିଲେ ଫ୍ଲକ୍ସ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଏରିଆ ଲେଖିଲେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ୱାନ୍ ଏଠି ଲେଖିଲେ, ଫ୍ଲକ୍ସ ଜାଗାରେ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଅଛି ଭାଲ୍ୟୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଭାଲ୍ୟୁ ପକାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଉଛି ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍, ଏ ୱାନ୍ ଏ ୱାନ୍ କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିଲା ଆଇ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ଲକ୍ସ ଏଇଠି ଆସିଲା ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ବାହାରିଛି ଆଇ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ ଇ ୱାନ୍ ଏଇଠି କେତେ ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଆପଣ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଇ ୱାନ୍ କୁ ଆପଣ ଇନଭର୍ସ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଆଠୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ ଇନଭର୍ସ ସ୍କୋୟାର କ'ଣ, ଯେ ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ସର୍ଫେସ୍ ଇଜ୍ ଇନଭର୍ସ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଟୁ ଦ ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ସର୍ଫେସ୍, ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆପଣ ଏ ୱାନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ମନେକର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କର ନେଲି ଏ ଟୁ, ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ହେଉଛି ସେମ୍, ସଲିଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେମ୍, ମନେକର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କର ନେଲି ଏ ଟୁ, ସେମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବି ହେଉଛି ସେମ୍ ହେଉଛି ଆଇ, ସଲିଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ସେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡବ୍ଲୁ, କେଉଁ ନେଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ ନେଲି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଟୁ ର ଆପଣଙ୍କର ନେଲି, ତାପରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଇ ଟୁ ବାହାର କରିବା, ଇ ଟୁ ହେଉଛି କାହା ପାଇଁ ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଏ ଟୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଏଇଠି ଇ ୱାନ୍ ବାହାର କରିବେ ସେମିତି ବାହାର କରିପାରିବେ। ଇ ଟୁ ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର, ଫାଇ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ହେଉଛି କେତେ ଏ ଟୁ, ଫାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଓମେଗା, ଫାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୁଁ ଏଇଠି କେତେ ପକାଇପାରିବି ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଓମେଗା ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ, ଓମେଗା ହେଉଛି ସଲିଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍, ଓମେଗାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ ଏରିଆ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ରେଡିୟସ୍ ର ସ୍କୋୟାର, ଏ ଟୁ ଆଉ ଏସ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ହେଉଛି ମନେକର କେତେ ଆର୍ ଟୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଆର୍ ୱାନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏ ଟୁ ଏବଂ ଏସ୍ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ହେଉଛି କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ ଟୁ, ତାହେଲେ ଇ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5/8, ଫାଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପକାଇଲେ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଓମେଗା ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ, ଓମେଗା ଜାଗାରେ ଆପଣ କେତେ ଓମେଗା ଜାଗାରେ ଆପଣ କେତେ ପକାଇବେ ଏରିଆ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଡିୟସ୍ ର ସ୍କୋୟାର। ଆଚ୍ଛା ଏରିଆ ହେଉଛି କେତେ, ଆମେ ଏ ଟୁ ନେଉଛୁ, ତେଣୁ ଏରିଆ ଏଠି ମୁଁ କେତେ ଲେଖିବି ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଟୁ ଲେଖିବି, ରେଡିୟସ୍ ଆମେ କେତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ ଟୁ ନେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ଏଇଠି କେତେ ଲେଖିପାରିବି ଆର୍ ଟୁ ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିପାରିବି, ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଠି କେତେ ରହିଲା ଏ ଟୁ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏ ଟୁ ଏଇଠି କଟିଗଲା ନା ନାହିଁ, ଏ ଟୁ ଏ ଟୁ ଯେତେ ଏଇଠୁ କଟିଗଲା ତାହେଲେ ଇ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୁଁ ଏଇଠି କେତେ ଲେଖିପାରିବି ଆଇ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଠି ଆର୍ ଟୁ ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ।
यू वन के बाहर आई वाई आर वन होल स्क्वायर ई टू के बाहर आई वाई आर टू होल स्क्वायर तेणु ई वन इज टू ई टू ये लिख पारि आई डिवाइड बाय आर वन होल स्क्वायर इज टू के आई डिवाइड बाय आर टू होल स्क्वायर ये बुझीपारे इनवर्स स्क्वायर कौन कह इल्यूमिनेशन ऑफ़ ए सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द सरफेस जमी आप बाहर कले युवा सेमती आप यूट्यूब बाहर कले ए फर्मूला गुड़ा यूज करके आप प्रोब्लेम पड़े नेक्स्ट हूँ आप लैम्बर्ट कोसाइन रूल नेक्स्ट हूँ आप लैम्बर्ट कोसाइन रूल अच्छा लैम्बर्ट कोसाइन रूल कौन आप कहते शुणु नेक्स्ट हूँ आप लैम्बर्ट कोसाइन ल लैम्बर्ट कोसाइन रूल आपंकर कहते धरतु आप ये छिड़ाई सोर्स हूँ ये एस लाइट पड़ा आपंकर कौटी ये पड़ा पी रे पड़ा मैंने ये मन कर इल्यूमिनेसन आप क्रिएट है इपी ए लाइट रूप कौन कल ना गोटे नर्माल कले नर्माल मैंने हूँ 90 डिग्री तेज आंगल आम भर के ठीक ठाक लैम्बर्ट कोसाइन रूल कहते जे इल्यूमिनेसन ऑफ ए सरफेस डायरेक्टली वैरीज टू द कोसाइन एंगल ऑफ द cosine angle between the incident light and to the normal of the surface light apan ko poduchi eta hoche incident light a normal to the surface bitare jeti ki angle achi tar cosine sathe apan ko illumination kon hoba directly apan ko vary karibo tenu ip direct proportional apan kete lekh paribe cos theta apan lekh paribe ar di ta condition achi gote condition hoche dharantu apan a d sidai chanti p re source ta pura apan ko mundo upare achi जो डायरेक्शन में आपन को इंसिडेंट लाइट पड़ू नॉर्मल जब ड्र करेंगे से भी सी डायरेक्शन तेल ये आंगल के क्रिएट है जीरो डिग्री निजे देखुना ये जो लाइन आउ गोटे लाइन हूँ से डायरेक्शन तेल आंगल के क्रिएट है जीरो डिग्री तेल ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जब ये कॉस थीटा लिखिए इजिकल टू आप फॉर्मूला कौन फाइव बाय एरिया स्क्वायर थीटा लेकर के जीरो कॉस जीरो हूँ वन तेल आपतल रहा इजिकल टू फाइव बाय ए स्क्वायर ये हूँ के नॉर्मल टू द सरफेस हो जदि नॉर्मल टू द सरफेस हो आउट कंडीशन हो आप आउट कंडीशन हो आप जो सरफेस कम कर इंप्लेन कर सोर्स जो सही आप लाइट पड़े जदि आप सरफेस को इंक्लेन कले तो नॉर्मल टा भी आपक्लेन होगी आसो देखो ना एमती रहा 90 डिग्री एमती जदि एमती आप 90 डिग्री तरह हिसाब से मैं मकब तेरे ये 90 डिग्री तेल ये गोटे आपंकर आंगल ये आप इंसीडेंट लाइट ये कौ सरफेस इंक्लाइन सरफेस सरफेस टाक आप कौन कर इंक्लाइन करा जो इंक्लाइन करदे लाइट ये पड़ेगा नॉर्मल हूँ आप तेना गोटे आंगल आप क्रिएट हो ठीक है तेणु ये केस आपर जदि ये पी पॉइंट देते तेल इपे डायरेक्ट प्रोफेसर केस गोटे आंगल आप क्रिएट हो केस आंगल होता जीरो कि केस क्रिएट हो तले ए केस रे आपण लिख परबे ईपी इक्वल टू 5 डिवाइड बाय एरिया इनटू cos थीटा केते लिख परबे ईपी इक्वल टू 5 डिवाइड बाय एरिया इनटू cos थीटा आ बित को नै की गोटे आपण को गोटे डेरिवेशन करा जाय थाय जार प्रॉब्लम ना आपण को परीक्षा रे पड़ी थाय गोटे होची आपण को इल्यूमिनेशन एट ए पॉइंट ए फार्मूला दीटा आपण मन रखिबे जा को नै की आपण को प्रॉब्लम परीक्षा रे पड़ते धरंतु गोटे पॉइंट सोर्स नेले मन रखिदानु आमे पॉइंट सोर्स नउ पॉइंट सोर्स ना एस एस रु दीटा जगह लाइट पड़ी गोटे हूँ ओ सीधा सीधार अच्छे आउ गोटे हूँ पी कि डिस्टेंस छाड़ी अच्छे आम इल्यूमिनेशन आट पी बाहर करूँ इल्यूमिनेशन आट ओ बाहर करूँ एस आओ भर डिस्टेंस रखिले एच एस आउ पी भर डिस्टेंस रखिले आपड़ा डी अबिका आम इल्यूमिनेशन आट पॉइंट पी बाहर करूँ अच्छा मो कथा ये शुण फास्ट लॉ हिसाब से कौन कह इल्यूमिनेशन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सरफेस सोर्स एवं सरफेस भितर डिस्टेंस होचे केते डी तले फास्ट लॉ ले लेकिन लिख परबे इप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी स्क्वायर लिख परबे एटा होचे फास्ट लॉ ले सेकंड लॉ मुजे के आपन कोन कहिछि जे इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन एंगल ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल टू द सरफेस लाइट आसे के एटी पड़ला नॉर्मल मु ड्रा कर ये थीटा छै एटी केते लिख परबे थीटा लिख परबे तले सेकंड लॉ अनुसार मु एटी लिख परबे इप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू cos थीटा तले मु आपको डेटा को एटी लिखि के हिसाब करके लिखि परबी इपी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी स्क्वायर cos थीटा ए लाइट मन कर आपन कर आई कैंडल पावर दउची यूनिफॉर्म ओरे भी आई कैंडल पावर दउची पी रे भी आपन कर आई कैंडल पावर दउची
ताले मुझे ये लिख पाने भी पी जी कर आई डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इनटू कॉस थीटा ए फॉर्मूला टा भूली गई ए फॉर्मूला नहीं क्या आप अगर परीक्षण कर अच्छा आउट एक में जाके सॉल्व करेगा बहुत अगर देखो तो ये डाउट समकोणी त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल बोले देखे ताले जब मुझे ये बोले राइट एंगल ट्रायंगल टा कॉल अब ये डाउट आप अगर थीटा ये डाउट ची एच ये डाउट डी ये डाउट ची आप अगर कहाँ बेस ये डाउट ची आप अगर एच ये डाउट ची आप अगर पी जदि मु राइट एंगल ट्रायंगल टा कलि एटा होची पी एटा एच एटा होची पी तले cos थीटा मोटी केते लिख पेन cos थीटा मोटी लिख पेन बी बाय एच एट बी जगह केते होची एच होची एट डी ए जो एच जगह केते होची डी होची तले cos थीटा इक्वल टू केते है एच बाय डी तले मु एटी डी जगह टू आपन केते लिख पेन एच डिवाइडेड बाय cos थीटा लिख पेन तले डी जगह आपन एच बाय cos थीटा पके दियो डी जगह जदि आपन एच बाय cos थीटा पके दे तले केते हो जाउची i divided by x square cos theta ko che kata cos square theta x square divided by cos square theta into kata ho che apan kara cos theta tale cos square theta apan group ro pade 1 by 1 by 5 mane kon 5 tenu apan kara eti i divided by x square into kata ho gala cos q theta ei formula apan mon rakhu ep is equal to kata i divided by x square इनटू कॉस क्यू थीटा ए तीनो फार्मूला नै के आपन अगर प्रॉब्लम पछै ये हो जे हमर कार बाहर करू इल्यूमिनेशन 8 पॉइंट पी जदि इल्यूमिनेशन 8 ओ बाहर कला तमे त जानि छो ओ होची ओ पॉइंट पूरा होची मुंडो ऊपर त माने थीटा होची केते आपन पर 0 तले i / d² cos थीटा जगह रे थीटा जगह रे 0 पकै दियो cos 0 होची केते 1 तले मु एटी e 0 इज इक्वल टू एटी i डिवाइडेड बाय d² लिख परि सिमिलरली एटी cos को थीटा होची थीटा जगह 0 पके दे केते होची 1 तले मु एडी केते लिख परबी आई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर लिख परबी तले ये हैला ई जुरे इज इक्वल टू केते हैला आपन करा आई बाय डी स्क्वायर आई बाय ए स्क्वायर तले आपन एटे दीटा फार्मूला आपन एटे जानिले आ परे हमें प्रॉब्लम करबा प्रॉब्लम जानिबा पूर्वरु ओटे आपन कर निसिनारे जानिया बेटा गोटे जिंच सेना होची एमएससीपी एमएससीपी होची आपन कर कोन मीन स्फेरिकल कैंडल पावर एमएससीपी होची आपन कर कोन मीन स्फेरिकल कैंडल पावर अच्छा ये मीन स्फेरिकल कैंडल पावर आपन कर कोन होची सुनत तीनटा प्लेन अछि आपन जान छथि गोटे एक्स एक्सिस गोटे प्लेन अछि गोटे वाई एक्सिस गोटे प्लेन अछि गोटे जेड एक्सिस प्लेन अछि एक्स एक्सिस रे आपन मन कर गोटे बॉल लगेले से बॉल टोटल डायरेक्शन रे आपन कर केति की कैंडल पावर देले लेखि के रखियो वाई एक्सिस रे गोटे बॉल लगेले से बॉल आपन कर टोटल डायरेक्शन रे केति की कैंडल पावर देले ताकु लेखि के रखियो जेड एक्सिस रे गोटे बॉल लगेले से बॉल आपन को टोटल डायरेक्शन में कितनी कैंडल पावर देला ताकु लेखि रखले तीनी टा को कैंडल पावर जदी आपन एवरेज बाहर करबे जहां आपन को बारे में सेटा होची एमएस तले एमएस भी कोन कहूची इट इज द मीन ऑफ द कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन देखो सब डायरेक्शन ने बॉल टा आपन लगेले पछ पटु जहां बहुत कम लाइट पछे आसु किंतु आसे इट इज द मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल प्ले ये पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन की वर्टिकल प्लेन कथा कहि इट इज द मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन इन ऑल प्लेन इज नोन एज मीन स्फेरिकल कैंडल पावर तार हम फार्मूला केमे लिख पाइबो एमएससीपी आपन को फार्मूला आपन केमे लिख पाइबे टोटल फ्लक्स एमिटेड डिवाइडेड बाय होची आपन को कोन 4 पाई ये बाले आपन को एमएससीपी ता परे नेक्स्ट होची आपन को कोन लुमिनस एफिशिएंसी ये सिंपल अछि आको नै कि हम गोटे प्रॉब्लम वर्तमान करबा लुमिनस एफिशिएंसी ये सिंपल अछि आ लुमिनस एफिशिएंसी कोन लुमिनस एफिशिएंसी को हम इंटरवल ल लुमिनस एफिशिएंसी आपन कोन फार्मूला मन रखता तो लुमेन पर वाट लुमेन पर वाट इनपुट जति कि आपन पावर दउ छथि जति कि हमर लुमेन आपन को गोटे लाइट रो बाहर छि ताकु आपन को लुमिनस एफिशिएंसी बोली कहबा देखै गोटे प्रॉब्लम हम करबा अच्छा प्रॉब्लम हो जी ए 250 वोल्ट लैंप क्वेश्चन में लिखी दो जी छोटा प्रॉब्लम बड़े करिया ए 250 वोल्ट लैंप हैज ए टोटल फ्लक्स ऑफ 3000 लुमेन कौन क्वेश्चन दे छी 250 वोल्ट अपन कर दे छी बुझ पाले लुमेन दे दे छी फाई दे दे छी अपन कर केते 3000 दे छी फ्लक्स दे छी अपन कर लुमेन दे छी 3000 लुमेन अपन कर दे छी से पचार टेक्स ए करंट ऑफ
0.8 एम्पीयर तले करंट आपन कर से केते नउची 0.8 एम्पीयर आपन कर करंट नउची 250 वोल्ट दे दैची आई दे दैची प्लग आपन कर केते दे दैची 3000 लुमेन आपन कर दे दैची से पचारची लुमेन प्रथम पचारची लुमेन पर वाट अच्छा आपन कर वोल्टेज दैची करंट दैची एठी आपन पावर वायर कर पेबे P is equal to what is our 250 into 0.8. That is 250 into 8 divided by which is 10. What is that? 200 power. What is our 200 watt. That is only our 80 power. Lumen per watt. Our 80 power. Lumen is equal to 3000. Watt is equal to 200. What is equal to our 15 lumen per watt. Next question is what is next question. जे एटा होचे फास्ट पचला आपन कर लुमेन पर वाट तापर नेक्स्ट आपन कर कोन पचाची नेक्स्ट पचाची एमएससीपी पर वाट अच्छा वर्तमान मु आपन एमएससीपी रा फार्मूला कहि एमएससीपी रा कोन फार्मूला कहले आपन एमएससीपी रा फार्मूला आपन कहले फ्लक्स डिवाइडेड बाय होचे आपन कर 4 पाई तेल आपन एडी एमएससीपी के बाहर कर परबे एमएससीपी होचे केते फ्लक्स केते होचे आपन कर 3000 डिवाइडेड बाय 4 पाई एडी पकेला 4 * 3. 1.4 MSCP 8 बार ला 3000 divided by 4 into 3.14 अबे आपने कितने बार कर बे MSCP पर बार आपने बार कर बे 1 आपने कर एटी बार जाची कितने 200 बार बार जाची तले जो दिया आपने एटी MSCP पर एटी 1 आपने जो दिया एटी बार करी बे तले लेके ले 3000 divided by 4 into 3.14 into कितने ये गला आपने करा 1 कितने बार ची 200 अच्छा कोई हिसाब कोई बा अगर ये हिसाब कर देगा 4 into 3.14 into 200 4 into 3.14 into 200 कितने बार आपन करो 2500 MSCP पर आपन ये 4 into 3.14 into 200 कितने बार ला 2512 तो आपन MSCP पर वाट आपन ये बाहर कर पाएंगे 3000 और ना 2512 तले केते आपन कर एमएससी पर वाट केते बार छु 1.1 सो एक कंप्लीट हला नेक्स्ट क्लास रे आमे लुमिनस इंटेंसिटी से दीटा फार्मूला ने की प्रॉब्लम देखिबा एवं तापर आपन कर पोलर कर्व स्टार्ट